हमने के बेरा जान पड़े हम तो जी भीतर आप पे बढ़ेगी जी, आप वहाँ बैठे अपने आप बढ़ेगी। हाँ जी, यानी कि आपको ये शक भी है कि ये दूसरे पक्ष से भी हो सकती है? हो सकती है जी। करूंगी पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको हम खुद बुलाएंगे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। माइक पास मत मारो जी, आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले कौन हो जी? आप उंगलियां ऐसे कर, एक मिनट मैम नमस्ते। नमस्ते जी। मैम उस दिन आप आए तो आपकी एक वीडियो है वह जोर से जो है बहुत ही वायरल हो रही है, और जो परिवार वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि हम इनको जानते नहीं हैं, ये कैसे अंदर घुस गए, तो क्या पूरा वो मामला था, क्यों वो वीडियो वायरल हुई बताइए। जो कास्टिज्म है ना हमारे समाज में इस तरीके से फैला हुआ है, उस कास्ट सिस्टम की वजह से हमारे लोगों को हमारे ही लोगों के खिलाफ भड़काया जाता है, ताकि ये कास्ट के जो मुद्दे हैं वो बाहर ना निकल के आए, और इसी वजह से दूसरी जाति समुदाय के लोग वो हमारे समुदाय के लोगों को ये बताते हैं कि हम तुम्हारे ही तेसी हैं और वो तुम्हारे ही तेसी नहीं है। इसलिए हमारे समाज के इतने भोले लोग हैं बेचारे, इतने लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, वो विश्वास कर लेते हैं, तो इसलिए उनसे ये बुलवाया जाता है फोर्सफुली कि हम कोई भी अपने समुदाय का लोग आए उनसे बात ना करो। तो इस तरीके का मीडिया, जो अपर कास्ट मीडिया है, जो लोकल अपर कास्ट लोग हैं, वो हमारे समुदाय को एक ना होने दें, उनको फूट डालने के लिए वो भी तो इनकी बात सुनने आए थे ना, बात सुनने के लिए आए थे, पर वो पैसे लेके बात सुनते हैं। उनका उद्देश्य है, हमें क्या पता वो अपराधी के साथ शामिल हो, हमें क्या पता वो पूरी गेम में शामिल हो, यही तो रीजन था उनका हमारे समुदाय के लोगों के साथ हमें ना बात करने देना, और हमारे ही समुदाय के विक्टिम फैमिली जो खुद इतने दुख में है उनको उकसा रहे, वो माइक दे रहे कि बोलो आप, और जबकि राइट टू प्राइवेसी का उन्होंने उल्लंघन किया, राइट टू प्रेसी विद क्लाइंट एंड एडवोकेट का उन्होंने उल्लंघन किया, उनको खुद कानूनों के बारे में नहीं है। हमें पता है सेक्सुअली हरासमेंट जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे महिला मीडिया कर्मी होनी चाहिए जब हम पीड़िता बात करें, पर वो पुरुष थे और हम सब महिलाएं अंदर बैठी हुई थी, और वो पुरुष अपर कास्ट के पुरुष मीडिया कर्मी जबरदस्ती घुसे वहां पे। मैंने वो वीडियो देखी, वाह मैंने वीडियो देखी, तो वीडियो में जो है कहता नजर आ रहा है कि आप अंदर घुस गए, आपने परिवार से परमिशन नहीं लिया ऐसा कुछ? हमने परिवार को हाथ जोड़ के नमस्ते की, और ये प्रूफ भी है, लोग हमने इनसे मिले है ना अंकल, हमने नमस्ते की ना, तो आप उनका भी लो, वो हमें जानते हैं। अच्छा, हमने उनको बोला जो लड़की के पिता अगर ना जाओ, लड़की के पिताजी थे वे बोल रहे थे हम इनको नहीं जानते, ये अंदर घुस गया ऐसा कुछ नहीं। पक्ष जन पहचान होगी थी, पूछ लिया था इन्होंने से अगर भाई हम वाल्मीकि समाज से हाँ, तो हमने फिर किसी और की गलत फहमी में कह गए थे। वो जो था जो पत्रकार था वो उसने मतलब ये दिखाया कि मैं मेरा नाम होना चाहिए, और वो कहाँ से किसे था एक मतलब पांच महिलाओं की ऐसे मतलब उसने हमारे को मान सम्मान पर ठेस पहुंची है, हमने भी वीडियो देखी है, लेकिन जो भी किया उन्होंने गलत किया, इनको पीड़ित परिवार को भी उन्होंने उकसाया है। अखिल हाँ। भी ऐसे बोलो बोलो क्या तुम्हारे से बिना पूछे आए हैं, जबकि हम अंदर एंट्री करते हैं तो पूरे परिवार को हम राम नमस्ते करके चलते हैं, आए हैं, और ये कहे भी हम आपके समाज से हैं, एडवोकेट हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट से आए हैं, और हम अंदर भी बैठे हैं, सबने हमको कुर्सियों पर बैठाया है, और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले उसने हंगामा मचा दिया, बोलो आप कहाँ से आए हो, हमारी वो मांग रहा है हमारे को वो दे, हमारे को वीडियो अपलोड करने के बाद उन्होंने जैसे स्टार्टिंग हुई वीडियो के उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है ना इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अगर पुष्टि नहीं हुई है तो अपलोड क्यों की वीडियो, क्या वो सच नहीं था, वो चीज सच नहीं थी, इसका मतलब वो पुष्टि नहीं कर रहे उस चीज की। तो मैम ऐसा भी उसमें दिखाया गया है कि आप कॉपी चेक करने लगे, बस्ता चेक करने लगे, तो जब तक हम पूरी जानकारी नहीं लेंगे, हम ही तो जानकारी लेने के लिए आए थे, जब तक हमको हमें 10 मिनट भी नहीं हुए थे, हम उसकी पीड़िता की माँ से मिल रहे हैं, और वो उसकी माँ हमको बता रही है सारी कहानियाँ, भाई हमारे साथ ये हुआ, और हम उनसे पूछ रहे हैं, उससे पहले को उनको खतरा हो गया कि भाई ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, ये क्यों पूछ रहे हैं, जबकि हमने जो कॉपी है वो जी हाँ जी जो कॉपी का भी जिक्र है, बैग चेक कर रहे हैं, ये क्या मामला था? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे फैमिली ने हमें बताया, जब हम बात करने लगे कि हमारी बच्ची इकलौती बच्ची थी उस घर से,
जो स्कूल में जा रही थी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ड्रीम था कि हमारी बेटी कुछ करेगी। पर जैसे ये घटना होती है और माँ पुलिस स्टेशन में जाती है, पुलिस उनको धक्के मार के निकालती है और चरित्रहीन भी हमारी बहन को बताती है कि तुम्हारी लड़कियां तो ऐसे ही भाग जाती हैं। तो प्रशासन को हम ये दिखा सके कि हमारी बहन तो पढ़ने में इतनी होनहार थी, उनकी ये राइटिंग है और ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है। हम ये प्रूफ है कि हमने देखा उसके बैग में और वो इतनी एजुकेटेड थी, उनकी राइटिंग भी जो है वो बिल्कुल क्लियर जैसे कंप्यूटर से टाइप की हुई है। क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है ना हमारे कम्युनिटी में, जो भी हीरे पैदा होते हैं, जैसे रोहित मुल्ला का हैदराबाद में मर्डर कर दिया गया था, डेल्टा में गवान को मार दिया गया था, जो बड़े बड़े एससी एसटी कम्युनिटी में, और इसी तरह से हाथरस में मनीषा को जो मार दिया गया था, तो हमारी बेटियों के साथ ही वायलेंस क्यों होता है? ये है क्यों बड़ी बड़ी कम्युनिटी राजपूत जाट ब्राह्मण, हम ये नहीं कहते कि उनके साथ होना चाहिए, पर कभी सुना है कि उनका रेप और मर्डर हुआ है? अगर होता भी है, निर्भया कांड के बारे में आप सब ने सुना होगा, निर्भया कांड जब हुआ तो पूरी दिल्ली में खबर फैल गई, पूरे भारत में कानून योजनाएं बन गई उस पे, क्योंकि वो दलित समुदाय से नहीं थी और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए विदेश में भेज रहे जी। और यहाँ पे डेड बॉडी, फैमिली को इतना राइट नहीं है कि वो उनकी डेड बॉडी लेके चढ़ा दे, वो कम से कम हम अपना दुख ही अपने घर के अंदर बैठ के रो ले, वी डोंट हैव राइट। तो ये जो वायलेशन है इस तरीके की जो रणनीति है, प्रशासन हमारे ऊपर वायलेंस करती है और उसके बाद हमें ये भी नहीं राइट देती कि हम रो तो अपने घर में बैठ के ले, तब भी हमें सड़कों पे धरने प्रदर्शन करके जस्टिस की मांग करनी पड़ती है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ तो योजनाएं बन रही है, दूसरी अपर कास्ट लड़की का रेप और मर्डर होता है, उनको उनके टेस्ट के लिए भी विदेशों में भेज दिया जाता है, दूसरा हमें हमारी बेटियों की डेड बॉडी भी नहीं दी जाती। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन और भारत देश दलित लड़कियों की स्पेसिकली मैनुअल सक्वेंजिंग, जो कि वाल्मीकि समुदाय है जो सफाई का काम करती है, जिनको लोग रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, जिनमें अभी तक भी हमारे लोगों को आत्मसम्मान नहीं दिया जाता, जबकि हम इतने एजुकेटेड हैं, फिर भी दूसरे समुदाय के लोग हमारे घरों में घुस के वो अपनी राजनीति चलाते हैं, वो अपना दबदबा चलाते हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसका ये आज जो है कमेटी बनाई गई है, किस तरह से जो है ये मुद्दा चलेगा, किस तरह से न्याय मिलेगा? जो आज कमेटी बनी है, पूरा ऐसी समाज जो है आज अड़ा देखने को मिला है, तो क्या बात हुई है वो? आज हमारे समाज के बहुत मौजूदा लोग यहाँ पे मौजूद थे और हमारे काफी डिस्कशन जो हमने भी जो इन्वेस्टिगेशन की, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस का डिनाय हुआ है, पुलिस ने गलत डेट में FIR की है, पुलिस ने जब डेड बॉडी मिली फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार खुद कर दिया, विक्टिम को नहीं बताया, जो भी ये डिनाय है और फैमिली को उनको डेड बॉडी भी नहीं दी गई, तो उसको देखते हुए अपराधी इसी गांव से संबंध रखता है, तो उसके ये अंदाजा लगाया सकते हैं हम सब लोग की फैमिली सुरक्षित नहीं है, उनको अच्छी जगह पे जहां पे 24 आवर सिक्योरिटी हो, घर दिया जाए, रिहैबिलिटेशन स्कीम जो कानून में है, SC ST एक्ट में प्रोविजन है कि उनको घर दिया जाए, 24 आवर्स पुलिस सिक्योरिटी दी जाए, और अभी इस घटना से वो इतने सदमे में है, उनकी काउंसिलिंग हो, पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो रहा यहाँ पे। तो ये जो सारी डिमांड है और CBI इंक्वायरी हाई लेवल की, जिसमें स्टेट के अदर स्टेट के लोग ऑफिसर मौजूद हो, ताकि जो ये प्रशासन पे अभी जो दबाव था और बिका हुआ था वो एकदम से फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और हम जस्टिस तक पहुंच पाए। तो मैं, जब इस तरह के मामले होते हैं तो राजनीति भी चलती है, तो क्या यहाँ पे ऐसा देखने को मिला है? राजनीति की जब हम बात करें, वाल्मीकि समुदाय को कोई भी राजनीतिक पार्टी और वोटों के लिए तो बड़े हमें पौवा दे देंगे और सारी वोट ले लेंगे, और जब हमारे साथ दुख होगा, दर्द होगा, जब उनको सड़हैंद आती है वाल्मीकि समुदाय के लोगों में से, ये तो गंदे हैं, ये तो समझते नहीं है, तो हम सिर्फ एक बैक वोट की तरह
बैंक बोर्ड की तरह यूज करते हैं हमें लोग और उसके बाद फेंक देते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी में हो। इवन के जो हमारे चुनिंदा वहां पे नेता भी होंगे उनको भी सिर्फ टिकट दे के यूज किया जाता है, ना कि हमारे समुदाय की वो अगर डिमांड करेंगे उनकी सुनी नहीं जाती। तो ये जो प्रशासन का और राजनीतिक सत्ता है, अगर हमारे हाथ में सत्ता होगी तो बदलाव तो हो जाएगा, पर हमारे जो राजनेता है उनके हाथ में खुद नहीं सत्ता होती, क्योंकि इसका रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस और हमारे पास रिसोर्स की कमी। वाल्मीकि समाज की बात करें तो बड़े बड़े जो है राजनेता हैं, बड़े बड़े विधायक हैं, मंत्री हैं। जो हमारे मंत्री हैं और विधायक हैं वो सिर्फ एक कठपुतली है, अगर वो कठपुतली नहीं होते तो वो यहाँ पे होते, क्योंकि उनसे तो जो भी पॉलिटिक्स पार्टी कराएगी वो ही करेंगे। जिस तरीके से इलेक्शन में हमारे समुदाय के लोग खरीद लेते हैं पैसे दे करके, इसी तरीके से हमारे नेता बिके हुए होते हैं और उनको भी हमारे जो नेता हैं वो भी जो उनको पॉलिटिक्स पार्टी बोलेगी वो बात बोलेंगे, जो वो कहेंगे वो कहेंगे, अगर वो नहीं कहेंगे तो उनको हटा देंगे, उनको वहाँ पे प्लेस ही नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरी गेम है हमें ये समझने की जरूरत है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो फिलहाल भाई आप देख सकते हो मनीषा जी हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर हैं। तो जब वो वीडियो देखी तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये जबरदस्ती जो है अंदर घुस गए, घराले भी ये कह रहे थे कि हम इनको नहीं जानते, लेकिन ईव जो है यहाँ पे बात करी और मैडम ने जो बताया तो इनके घर के बोल रहे हैं कि भाई मारते राम राम करी थी, पूछी थी। आने से पहले मेरे से बात हुई। अच्छा, मैं इस वार्ड का मेंबर हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी पोती लगती है रिश्ते में। जी जी जी। आने से पहले मेरे पास फोन आ रहा, मैं किसी नहीं, घर वाले मना कर रहे थे ना, मैं बोल के गा रहा हूँ, वो थाना बुला ली थी, SFL की टीम आई हुई थी, मैं भी बाहर चला गया रहा, इस कारण भी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है जी, धन्यवाद। चलो तो भाई आपने क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी, और राम राम सारे भाइयों ने। जय हिंद, जय भारत।